नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सबका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थ्रू ग्रेट वर्क सीरीज पे। इसके पहले हम लोग ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर की बात कर चुके हैं। अब यहाँ हम अब बात करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो महान किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसके पहले एक सीरीज पे हम लोग टाइम लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर चुके हैं, कौन सा साल, कौन से प्रमुख घटनाएं, कौन से मुख्य लेखक, कवि वगैरह वगैरह। अब हम लोग दूसरे तरीके से उसी दिशा में फिर से जा रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए ये एक और अच्छा तरीका है कि जब हम उसमें जो मुख्य कार्य हुए हैं, सबसे बढ़िया कविताएं, सबसे जानी मानी कहानियां, सबसे अच्छी उपन्यास वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो उसी सिलसिले में हम अब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है वो लिटरेचर जो मिडिल इंग्लिश में लिखी गई। इसके पहले हम ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन लिटरेचर और एंग्लो नॉर्मल में नॉर्मल भाषा में लिखी गई अर्थात फ्रेंच के आसपास की भाषा थी जो उसमें लिखी गई लिटरेचर की बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं मिडिल इंग्लिश में जो कि चौसर की भाषा है जिसको हम जानते हैं, मिल चुके हैं जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स और कैंटरबरी टेल्स के थ्रू। तो उसमें जो लिखी गई है उस लिटरेचर की हम बात करेंगे। तो ये वो समय है 12वीं शताब्दी से लेकर के 1470 के आसपास तक का समय है जब ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, इन्फ्लेक्शंस का लेवलिंग हुआ, वोकैबुलरी बढ़ी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर 1180 के आसपास में ऑर्म की और म्यूलम नाम की जो है किताब से हम शुरुआत करते हैं। फिर 1190 में लेमोन की ब्रू आई जो हिस्ट्री ब्रूटस से लेकर के खींचती है, इंग्लैंड की हिस्ट्री को स्थापित करती है कि ये बहुत पुराने जमाने से चली हुई आ रही है। 1285 से 1310 के बीच का समय है हैवलॉक द डेन की कविता का। फिर हमारे पास पर्ल पोएट जिनको चला जाता है, जैसे हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑथरशिप का जो इतना चलन है आज के समय में, ओल्ड और मिडिवल इंग्लिश का जो समय था उस समय उतना ऑथरशिप इंपॉर्टेंट नहीं होता था। कविताएं चलती आती थी, उसको लिखने वाले लिखते जाते थे, बीच में बदलाव भी होता चला जाता था। जैसे वैसे आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो बहुत प्राचीन कविताएं हैं तो उनके भी ऑथरशिप का उतना ज्यादा परेशानी नहीं लिया गया है। कोई ऋषि किसी मुनि को दे दिया गया है और हर श्लोक या हर कविता पे किसी ऋषि मुनि का नाम हो ये भी आवश्यक नहीं है। विचारों को पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, जिंदा रखना ज्यादा जरूरी था, नाम जिंदा रखना उस समय उतना जरूरी नहीं माना जाता था, तो एनोनिमस ही है। पर्ल पोएट के नाम से जिनको जाना जाता है, और कोई नाम है नहीं इसलिए पर्ल पोएट, क्योंकि पर्ल नामक कविता उन्होंने लिखी इसलिए पर्ल पोएट, उनको ही कई बार गवाइन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1350 के आसपास की कविताएं हैं पर्ल, पेशेंस, क्लीननेस और सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिडिल इंग्लिश की कविताएं हैं। तो ये जो पर्ल पोएट हैं और ये जो गवाइन पोएट हैं, मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया है केवल क्योंकि सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट अपने आप में एक बहुत जानी मानी कविता है और पर्ल पोएट्री के साथ का जो ग्रुप है ये सब बहुत जानी मानी कविताएं हैं, तो अलग अलग लिखा है, पर ये दोनों को एक भी माना जाता है। और फिर अब हम आ गए हैं पियर्स प्लाउमैन पर जो कि आप जानते हैं एलिटरेटिव मीटर में लिखी हुई कविता है लैंग्लैंड की, और दो स्ट्रेस मिड लाइन सिज्यूरा से पहले और दो उसके बाद में है, और दोनों स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है वो एलिटरेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये पियर्स प्लाउमैन है। फिर हमारे पास गावर की कन्फेसियो अमांटिस है। गावर आप जानते हैं फ्रेंच में, लैटिन में, अंग्रेजी में, तीनों भाषाओं में लिखते थे, तो कन्फेसियो अमांटिस उन्होंने राजा के कहने पर अंग्रेजी में लिखी है। फिर हमारे पास आए जेफरी चौसर और उनकी महान कैंटरबरी टेल्स। 1387 से 1400 के बीच में इनको, 1400 ही वो साल था जब चौसर का देहांत हुआ था, इनको पूरा किया गया था। फिर हम आते हैं द वॉयज एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल पे। ये ऑटोबायोग्राफिकल लगती सी है पर है नहीं, ये किस्से कहानी जैसी कहानियां हैं घूमने फिरने की, कहाँ गया यहाँ गया वो देखा और विचित्र चीजों की। 1400 के आसपास ही वो सारे फेमस रॉबिन हुड के बैलेट्स का भी समय है, और 1425 में हम देख पाते हैं द कैसल ऑफ परसिवियरेंस को
इसका आगे ड्रामा वाले सेक्शन में हम यूज करेंगे जब हम मोरालिटी वगैरह की बात करेंगे। 1432 से 1436 में द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प आती है। अब थोड़ा ये निशान मैं मिटाऊं क्योंकि मुझे माउस चाहिए होगा। और उसके बाद लेट गेट्स की फॉल ऑफ प्रिंसेस, जो कि बोकैचियो की द कासिबस वीरोरम इलस्ट्रियम पे बेस्ड है, 1431 से 1438 के बीच में आती है। यहाँ पे हमें लमोर दार्थर के बारे में नहीं भूलना चाहिए, मैलोरी की, जो लगभग 1470 ये लिखा ही हुआ है, लगभग इस एज के खत्म होने तक हमको पहुंचा देती है। काफी कहानियां हैं मैलोरी के बारे में कि जेल में उन्होंने लिखा था और काफी अच्छे खानदान से थे वगैरह वगैरह। तो 1470 के आसपास का ये जो है उनका लिखा हुआ है। तो ये तो हुआ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो। अब जब हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से आगे आएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है। ये ट्रांजिशन का पीरियड जो है ये कहाँ आता है, तो ये देखिए, कैक्सटन ने मैलोरी की मॉर्ड द आर्थर जो है वो 1485 में पब्लिश की। लिखा उन्होंने 1470 में था, पब्लिश 85 में हुई। 85 ही वो साल था जब हेनरी ट्यूडर जो है वो हेनरी 7 के रूप में गद्दी पर चढ़े थे। तो इस समय 1485 से लेकर के और 1550 के बीच का जो समय आता है इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, मेडिवल से रेनेसांस में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो 1500 के आसपास में सेकंड शेपर्ड्स प्ले बहुत फेमस प्ले है, ये लिखी गई थी। 1508 में एवरी मैन का नाम सब जानते ही हैं, उसके आसपास ये लिखी गई थी। 1531 में हमें मिलती है सर टॉमस एलियट्स की द बुक नेम्ड गवर्नर। ये उस समय ऐसी किताबें थी जो पैरेलल आप मान सकते हैं, जैसे द प्रिंस थी मैकियावेली की। वो क्या था, सलाह दी गई थी कि एक राजा को, एक नोबल पर्सन को कैसे जो है अपना राजकाज करना चाहिए। तो उस समय ऐसी किताबों की बाढ़ सी आई हुई थी, बहुत सी ट्रांसलेशंस थी, बहुत सी ओरिजिनल थी, बहुत सी मिक्सचर थी। उनमें से एक द बुक नेम द गवर्नर है। रॉजर एस्टम भी बहुत फेमस थे, उनकी टॉक्सोफिलस और द स्कूल मास्टर 1545 से 1570 की हैं। सर टॉमस मोर की जो यूटोपिया थी लैटिन में तो 1516 में आ गई थी, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन 1551 में आया था, इसलिए हमने 1551 में यहाँ उसको रखा है। मैग्निफिसेंस 1516 के आसपास की है। 1522 में स्केल्टन की कॉलिन क्लाउड एंड वाई कम यू नॉट टू कोर्ट है, और 1547 में सरे की ट्रांसलेशन ईनेट से वो छपने लग गई। तो अब 1547 के आसपास हम ये पहुंचे हैं। अब हम ठीक एलिजाबेथ एज में जाने वाले हैं, लेकिन अभी इसको यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, और आप साथ में बने रहिए और अपने सुझाव हमें देते रहिए। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, आशा करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसी ही वीडियोस कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, और अगर आप मुझे फीडबैक देते रहें कि कौन सा बेहतर लग रहा है आपको, तो जो अधिक फीडबैक आएगा उसी भाषा में और उसी प्रकार से हम बनाते रहेंगे। तो फिर मिलते रहते हैं इस चैनल पे, आपका चैनल। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी मैं इम्पोर्टेंट मटेरियल और इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ समय समय पर, तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं। डिटेल जो है मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो हमारे बहुत सारे तरीके हैं जुड़ने के, उनमें से एक तरीका तो आप मेल आईडी जानते ही हैं, आप मेल आईडी के थ्रू मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा मैंने डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो उसमें भी आपको हमारे ब्लॉग का, टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक ग्रुप का, सबका पता चल जाएगा। हर तरह से हम लोगों को, मैं मानता हूँ, जुड़े रहना चाहिए और आगे साथ में बढ़ते रहना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखिएगा, आपको सारे लिंक्स वगैरह वहीं पे मिल जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।